आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के पावन अवसर पर हमारे विद्यालय स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दीपक नगर दुर्ग के प्राथमिक विभाग के बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी गई। तो आइए देखते हैं और आनंद लेते हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की प्यारी प्यारी प्रस्तुतियों को। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना धीरे मैं भी उस पर बैठा बनता धीरे धीरे। मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज दक्षा राजपूत। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। टुडे आई एम टू स्पीक फुल एंड्स ऑन हिंदी दिवस। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाई जाती है। भारत की आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 के संविधान सभा में एकमत से यह निर्णय लिया कि हिंदी की भारत की राजभाषा होगी। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। हिंदी हमारा पहचान और गौरव है। हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है। ऐसी प्रतीक हमारा प्रेम और सम्मान प्रकट करना हमारा राष्ट्र कर्तव्य है। इसी कर्तव्य हेतु हम 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में बनाते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम गोपिका निवास है। मैं जा रही हूँ आज कविता सुनाने के लिए। तितली और कली की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोल और हमारे संग खेलो, पहले सुंदर है तुम महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी फागुन तितली छूने उसे चली। नमस्ते, मेरा नाम है गहरा चंद्राकर, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम है। आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। हिंदी है हिंदुस्तान की शान, यही है जन जन का अभिमान, एक डोर जो सबको बांधे वही हिंदी हम रखे आगे। हिंदी है उदारता की वाणी, जिसे पसंद करते भारत का हर प्राणी, माँ की लोरी पिता का डांट, माँ की लोरी पिता का डांट, हिंदी हिंदी से होती सारे प्यार की बात, ना समझो हिंदी को काम, गर्व से बोलो हिंदी है हम। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। हिंदी में निहित हमारे संस्कार, सबको हिंदी में नमस्कार। हिंदी सरल सहज भाषा है, सफलता की परिभाषा है। धन्यवाद। जन जन की आशा है, हिंदी भारत की भाषा है। हिंदी हिंदी का सम्मान करे, दुनिया भर में नाम करे। धन्यवाद। भारत के विकास में हिंदी का योगदान अति महत्वपूर्ण है। यदि हम भारत को विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं तो हिंदी के महत्व को हम सबको समझना होगा। धन्यवाद। Once more. भारत का आधार हिंदी, सबके सपनों को करती साकार है हिंदी। धन्यवाद। मेरा नाम अनन्या कलस्कर है, मैं कक्षा 4वीं में पढ़ती हूँ।
मेरे स्कूल का नाम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर अपने पुस्तक में से एक कविता कहना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी अभिलाषा है। सूरत सा चमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, जगमग जगमग उज्जवल तारों सा दमकू मैं। मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है, फूलों सा महकू मैं, रिंगो सा चहकू मैं, गुंजित सा वन उपवन, कोयल सा कुकू मैं। मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है, नभ से निर्मल तालु, शशि से शीतल तालु, धरती से शान शक्तिलु, पर्वत से दृढ़ तालु। मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है, मेघों सा मिट जाओ, सागर सा लहराओ, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाओ। मेरी अभिलाषा है। आप सभी लोगों को अरिबा फातिमा का नमस्कार। 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। वो है जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, हम सब की पहचान है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, हम सब की पहचान है हिंदी। इस तरह से हमारे बच्चों का प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा। हमें आप पर गर्व है बच्चों, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अंत में एक बार फिर सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।